सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज वीडियो को टक से लाइक कर दें। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति हर तरीके से टूट जाता है। उसके पास ना तो किसी प्रकार का पैसा होता है और ना ही व्यक्ति को किसी प्रकार का समय होता है। और दूसरा, व्यक्ति निराश हो जाता है कि आखिर उसके जीवन के अंदर इतनी सारी समस्याएं क्यों है। और इस वजह से दोस्तों उसका मन भी भक्ति से उठने लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप निराश हैं, अगर आपको हर प्रकार की शत्रु के अंदर समस्याएं आ रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाए और भगवान की विशेष कृपा देखने को मिली, तो दोस्तों आज हम आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दो लोटे का एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं। अगर आपने सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा के साथ ये उपाय कर लिया, तो दोस्तों कोई भी आपका बाल पाखा नहीं कर पाएगा। और भगवान महादेव आपके ऊपर साक्षात इतने प्रसन्न होते हैं कि जो आपकी मनवांछित इच्छा थी वह चुटकियों के अंदर आपकी पूरी हो जाती है। और साक्षात भगवान ने भोलेनाथ मंदिर भगवान के साथ माता पार्वती के साथ आपके घर के अंदर निवास करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं उपाय की। आगे बढ़ने से पहले कमेंट के हर हर महादेव लिख दे, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों क्या करें कि एक तांबे का आप लोटा ले ले, और दोस्तों आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। अगर स्टील का लोटा नहीं है तो आप किसी प्रकार का धातु का कोई भी पात्र ले सकते हैं, जिसके अंदर बराबर मात्रा के अंदर जल आए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो जल ले आपको पात्र के अंदर बराबर आना चाहिए। बाकी किसी प्रकार के पात्र ले, इसके अंदर किसी प्रकार की दरकार नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपको पीतल के बर्तन, सूर्य प्लास्टिक के बर्तन आपको नहीं करना चाहिए। इस उपाय हेतु प्लास्टिक वर्जित किया गया है, और आप इस उपाय हेतु प्लास्टिक उपयोग करते हैं तो इस उपाय में राहु का दोष हो जाता है, जिसकी वजह से आपको उपाय की सार्थकता नहीं मिल पाती है। आप क्या करें, जो पात्र या लोटा आपने लिया है उसके ऊपर आपको एक स्वास्तिक का निर्माण करना है, और मंत्र बोलते हुए ओम नमः शिवाय मम कार्य क्रूम क्रूम इस मंत्र का जाप करते हुए उन लोटों को अंदर जल भर दीजिए, और साथ ही साथ लोटे के ऊपर एक स्वास्तिक का आपका निर्माण कर देना है। दोस्तों ऐसा करने के बाद आप क्या करें, या आपके आसपास कहीं भी भगवान भोलेनाथ का मंदिर है तो वहां पर आपको चले जाना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपके आसपास भोलेनाथ का मंदिर नहीं है तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि पीपल के वृक्ष के अंदर भी भगवान भोलेनाथ का स्थायी वास माना जाता है। अब आप क्या करें, मंदिर जाएं और अपने दोनों हाथों का, दोस्तों ऐसा नहीं कि एक लोटे का जल चढ़ाएं और उसके बाद दूसरे बार दूसरे लोटे से जल चढ़ाएं। आप अपने दोनों हाथों के अंदर लोटे को या पात्र को ले लें और उसके बाद जल चढ़ाएं। लेकिन जल चढ़ाने से पहले आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी, तो आप बेलपत्र ले लें। और बेलपत्र का इस बात का ध्यान रखें, जो बेलपत्र की डंडी होती है वह डंडी दोस्तों आपको अपने तरफ रखनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो उस बेलपत्र की सार्थकता आपकी तरफ रहे। क्योंकि जब आप जल चढ़ाते हैं उसके अंदर से जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा का भाव अब डंडी के माध्यम से होता है और वह सीधा आपकी तरफ आ जाता है। उस ऊर्जा से आप अपने जीवन के अंदर हर प्रकार का काम कर पाते हैं। दोस्तों अब ऐसा करने के बाद आपको दोनों हाथों से जल चढ़ाना है, और जब तक जल की धाराएं गिरती रहती है आपको मंत्र बोलना है, ओम शिवाय नमः, या ओम नमः शिवाय मम कार्यम क्रूम क्रूम, ओम नमः शिवाय मम कार्य क्रूम क्रूम, इस प्रकार का आपको मंत्र बोलना है। और मंत्र बोलने के बाद आप देखेंगे दोस्तों, आपको उसी समय से थोड़ा फर्क दिखाई देने लगेगा, आप भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों उसके बाद क्या करें, जो बेलपत्र अपने भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया है उस बेलपत्र को तो वहीं पर शिवलिंग पर रहने देना चाहिए। उसके बाद आप शिवलिंग के ऊपर से, चाहे बेलपत्र या धतूरा हो, किसी प्रकार का पुष्प हो, दूब हो, या किसी प्रकार की जो शिवलिंग पर चाहे एक पुष्प की पंखुड़ी क्यों ना हो आपको चढ़ा हुए मिल जाती है, तो वापस आते समय उसे अपने साथ लेकर आ जाए। और उसे हमेशा आप अपने धन रखने के स्थान, अपने पर्स और
कटुए, अलमारी, तिजोरी आदि के अंदर रख ले और दोस्तों भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा होगा, आपके हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और जो आप चाहते हैं उस कार्य के अंदर आपको विशेष प्राप्तियां मिलती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।